अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज तरफ तो कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध और कराची के ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में रिपोर्ट जमा कराने के लिए वजीर आला सिंध को एक माह की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे के हवाले से जब ये समाअत हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये केस हुआ, तो उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश ना करने पर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और साथ ही वजीर आला सिंध को फौरी अदालत में तलब भी कर लिया। वजीर आला सिंध गए भी और मुकालमा भी हुआ, लेकिन जिस तरह की बात सामने आई उसके ऊपर नज़र आ रहा है कि इस वक्त शदीद किस्म की जो है वो तश्वीश नाक सूरत हाल है, क्योंकि कराची तजावुजात के हवाले से बार बार आला अदलिया और मोहतरम चीफ जस्टिस जो है वो बात करते आए हैं और इसके ऊपर बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, बताएं अदालती अहकाम पर कितना अमल दरामद हुआ है। इस पर कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि मेरी अभी तायुनाती हुई है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची में बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था, इन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे सामने पेश होने के लिए भेज देते हैं, उनको क्या मालूम शहर वालों की क्या ज़रूरियात हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि आप पर भी चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं, आपको जेल भेज देंगे, आपको पता ही नहीं कराची के मसाइल क्या हैं और आप कमिश्नर बन गए हैं। साथ ही ये केस चार साल से चला रहे हैं, जस्टिस गुलजार ने ये कहा, अब तक कुछ नहीं हुआ। एक मंजिला इमारत की इजाज़त पर कसीरुल मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है, सरकारी ज़मीनें आपके हाथ से निकल चुकी है, प्रॉपर्टी रजिस्टर के 20-20 और रजिस्टर बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनके हमरा हमने देखा कि सईद गनी और मुर्तजा वहाब भी अदालत में थे। मुराद अली शाह से जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुकालमा किया कि ज़मीनी हकाइक देख रहे हैं वजीर आला साहब, क्या तब्दील हुआ है, तो वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 माह की मोहलत दे दी है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वजीर सिंध हैं तैमूर तालपुर, उनको खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच तैमूर तालपुर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम जी। तैमूर तालपुर साहब, ये बताइएगा कि आज तजावुजात केस कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वजीर आला सिंध के साथ आपकी काबीना के 2 और अहम वुजरा भी वहाँ मौजूद थे, एक एडवाइज़र एक वजीर, यानी कि 4 साल से केस चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब बरहमी का इजहार कर रहे हैं, कब तक ये तजावुजात हटाया जाएगा और क्यों अब तक इसमें जो है डिले पे डिले हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमें पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब कोर्ट की तरफ रवाना हुए हैं तो मैं खुद और अपना इम्तियाज शेख साहब, नासिर शाह साहब और शैला रजा साहिबा, हम भी कोर्ट पहुंच गए कुछ देर से फंसे अंदर, तो हम जरा देर से आए थे और बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो हमने सब में साथ आ दी। बात ये है कि जो चीजें आप समझती हैं कि बहुत आसान है वो इतनी आसान होती नहीं है। तजावजात हटाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर वहाँ पर कोई घर बार रह रहा है तो उनको वहाँ से विकेट कराना कोई बहुत खुशी का आलम नहीं होता। और फिर जहाँ तक मसला है प्रेशर का या लैंड माफिया का, वो तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर नहीं साहब ने समझाने की कोशिश की चीफ जस्टिस साहब को कि इतना ये काम आसान नहीं होगा। और उसके साथ साथ हमें फिर उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है हुकूमत सिंध को। मैं समझता हूँ हम अब बैठ के अपना लायमल बनाएंगे किस तरह से और कैसे बेहतर तरीका होगा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद कराने। तैमूर तालपुर साहब, 12 साल से आपकी हुकूमत है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि इतना आसान ये तजावजात हटाना और 4 साल से ये केस भी चल रहा है, उससे पहले भी मुख्तलिफ औकात में इसके ऊपर बात होती रही है तजावजात के हवाले से कि जी कराची में बेहंगम तामीरात का सिलसिला और ये तजावजात का जो मामला है ये हर दौर में ही बात होती आई है और हुकूमत आप ही की रही है, उसके बावजूद आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि किस तरह से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए अब तक? बेसिकली अगर आप जरा जायजा लेंगे या जो हमारे पास
हफीजमंदाना जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो उसमें तकरीबन 95% जो तजावजात है वो एक ही, जो हमारे पास बोरी बंद पार्टी थी जो इंडिया के एजेंट चलाते थे, जो बोरी बंद लाते लाते थे और टाइम सेटिंग करते थे, ये सब उनके दौर के तजावजात लेकर मेरे ख्याल से कोई 50% तक तो सिंध हुकूमत ने खाली करा लिए होंगे, कुछ खुद कुछ रेंजर्स की मदद के साथ, कुछ पुलिस की मदद के साथ, और मेरे ख्याल से 30-40% कराची पे अभी तक वो काबिज है। जहाँ जहाँ पर कोई शॉप थी, कोई बिल्डिंग थी, वो थोड़ा आसान था, पर जहाँ पर उन्होंने फैमिलीज को आके गैर कानूनी जमीनों पर बिठा दिया है, शिफ्टिंग कर दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा हमें डिफिकल्टी होती है। पर इंशाल्लाह ताला अभी बहुत, अभी फिर बीच में भी जब हम ये तर्जर हटा रहे थे, जब ये बरसात का मौसम था, नाले की साइडों पर जो लोग बैठे थे उनको हटाने में भी हमें जो मेन प्रॉब्लम हो रहा था वो ये था कि बीच में वफाकी हुकूमत आके और MQM की मदद करना चाह रही थी, पर जब बरसातें बढ़ गई तो फिर रेंजर्स ने आके हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाया और वो प्रेशर हम सस्टेन कर गए। आप कह रहे हैं कि बोरी बंद वालों की वजह से हुआ है, वो भी तो आपके साथ माजी में बैठे रहे हैं ना हुकूमत में। बिल्कुल वो बैठे रहे, पर उनकी जब हमने हरकत देखी, हमने उनके काम देखे, उनके कब्जा माफिया का स्टाइल देखा, उनकी चाइना कटिंग देखी, तो हम उनसे अलग हो गए। यही चीजें थी हकीकताना जो हमारी आंखें खुल गई इनके साथ वर्किंग करते हुए, ये किस किसान तरह से काम करते हैं, सिर्फ उसके बाद उनसे आज तक अलग गए। अगर आंखें खुल गई तहमूद आलपुर साहब, तो फिर बिलावल साहब आज भी उनको दावत देते रहते हैं मुख्तलिफ औकात पे कि जी आप आए और हमें शामिल कर लें, और वफाकी हुकूमत गिराने के लिए भी उनको दावत दे दी थी बीच में, जब एक जगह इफ्तिताह हो रहा था एक अंडर पास का, कुछ दिन पहले की बात है। यही तो सियासत होती है, इसी तरह ही तो सियासत की जाती है। जस्टिस साहब यही तो कह रहे हैं, सियासत बंद कर दें आप लोग, काम करें, सियासत ना करें। सियासतदान कभी भी सियासत बंद नहीं करेगा। सियासत एक बहुत अच्छी चीज है अगर मुस्बत तरीके से की जाए। हाँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरीके से की जाए, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तरीके से, बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी चीज है। सियासत को पता नहीं क्यों एक कुछ लोगों ने एक बुरा नाम दिलवा दिया है, तो सियासत तो हम करते रहेंगे, पर ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं इंशाल्लाह ताला खत्म होंगे, जल्द होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये खाली कर देगी। क्या लायमल तैयार किया है, हाउ विल यू पीपल सेटिस्फाई द कोर्ट नाउ एंड हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट एज वेल? हमने परसों मीटिंग रखी है जिसमें कमिश्नर कराची भी तलब किए गए हैं। आपने देखा है कमिश्नर कराची साहब के लिए भी क्या ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आए कि बगैर तैयारी के क्यों आ गए? अब हमें जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब का बताता हूँ, उनको उनको 10:30-11 बजे कहा गया है कि आप फटाफट फौरी तौर पे कोर्ट पहुंचे, तो जगह हम पहुंचेंगे कोर्ट, हमें अगर पहले एक दिन बताते या आज, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही अच्छे तरीकेकार किया, हमें टाइमलाइन दी कि आप फलानी टाइम पे दिन से आके और हमें रिपोर्ट दें। अब जब हम जाएंगे तो हम प्रिपेयर होंगे, हमारे पास एक रोड मैप होगा, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होगी जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो सिंध हुकूमत को भी ये चाहिए होता है जरूरी कि उनको उसी तरह से वो टाइमलाइन दी जाए जो जिसकी हमें जरूरत होती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब चूंकि सरकारी जमीनों के मामले पे भी उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट और रिमार्क्स दिए हैं आज, और साथ ही साथ तजावुजात का मामला अलग है। अभी हम देख रहे हैं राइट नाउ, अगर मैं बात करूँ इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम करते हुए भी, अगर हम इस वक्त की करंट सिचुएशन की बात करें, तो अभी भी आवाज आ रही है आपको तैमूर? मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है, अब आपको सही आवाज आ रही है? हेलो तैमूर, आपको सही आवाज आ रही है अब? जी, मैंने कहा देखे अगर अभी भी करंट हम इस वक्त जहां हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं, इस वक्त की मैं सिचुएशन के ऊपर बात कर लूं राइट नाउ, तो हम अगर अभी भी देखें तो तजावुजात के मामले पे और बेहंगम तामीरात, अगर हम शहर का राउंड लेने निकलते हैं तो ये दोनों चीजें इस वक्त भी हो रही हैं कहीं ना कहीं। सो किस तरह से इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि देखे ना दो चीजें उन्होंने कही, एक तजावुजात का मामला है और एक एक जो उन्होंने सरकारी जमीनों के मामले पे भी जो है वो बरहमी का इजहार किया है। देखिए कराची बहुत डाइवर्स किस्म का शहर है, इसमें आपका एक लिमिट आ जाती है तो कंटोनमेंट शुरू हो जाती है, एक लिमिट आ जाती है तो GST शुरू हो जाता है, कहीं पर आपकी रेलवे की जमीनें आ जाती है, कहीं आपकी सिंध हुकूमत की जमीन आ जाती है, तो इसको हमें बड़ा टैक्सफुली डील करना पड़ेगा।
हमें हर जगह पर इंस्पेक्शन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह परसों जो हमारी मीटिंग है उसमें बैठकर बेहतर एक व्यायामन, एक तरीका और एक स्ट्रैटेजी बना के लाएंगे, जो बहुत जल्द कोर्ट में भी पेश करी और मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूंगा। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कराची तजावुजात केस की हम बात कर रहे थे कि जी वज़ीर आला सिंध चूँकि आज अदालत में पेश हुए, सईद गनी और साथ थे वो, और जैसे कि अभी उन्होंने खुद बताया कि वो और शैला रजा साहिबा भी और नासिर शाह साहब भी साथ पहुँच गए थे। पहुँचना इट्स नॉट ओनली द सोल्यूशन ऑन द पोजिशन, द सोल्यूशन इज दिस दैट वॉट यू पीपल आर डूइंग एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, बिकॉज सिंस द 12 ईयर्स आपकी यहाँ पे पार्टी है, आपकी यहाँ पे हुकूमत है जो कि पूरे सूबे के अंदर लीड कर रही है, चीफ मिनिस्टर आपका है, तीसरा टेन्योर है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये मामलात और ये हालात इस तरह से चल रहे हैं, तजावुजात के, बेहंगम तामीरात के और नाजायज़ कब्ज़ों के, सरकारी ज़मीनें ख़त्म होने के, उनके ऊपर कब्ज़ों के, तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलाकार या सहूलतकार मौजूद है जो कि बैठ के इस तरह के काम कर रहा है। अदरवाइज ना कि ये चीफ जस्टिस और इससे पहले भी जो जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं, अगर मैं साकिब निसार साहब की बात करूं, उन्होंने भी पहले पाबंदी लगाई और फिर उसके बाद हाई राइज पे, और अभी भी जिस तरह से भी चीज़ें और तजावुजात के ऊपर भी उन्होंने भी बात की, तो मुख्तलिफ औकात में हम देखते रहे हैं कि माजी के चीफ जस्टिस सरबराहान जो है वो बात करते रहे हैं इस मामले पर, लेकिन कराची का ये दरीना बुनियादी मसाइल जो कि हल नहीं हो रहा। और अगर आप एक टॉप व्यू शॉट देखें कराची का, अगर आप एरियल शॉट की तरफ जाएं, तो आपको अंदाजा हो कि कितनी बेहंगम और कितनी अनप्लान्ड, जिसको कहते हैं अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं, कितनी ज़्यादा अनप्लान्ड पॉपुलेशन है और तामीरात है, न्यू कंस्ट्रक्शन है जो कि हो रही है, और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है ना कुछ समझने वाला है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट बना रहे हैं, अभी तक नहीं बनी इतने सालों में, आइंदा कितने दिन में, कैसे एक महीने के अंदर अंदर आप पेश कर देंगे, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दी गवर्नेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट इन द सिंध प्रोविंस। वेल मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट।